और हमने आस्था भजन के माध्यम से आप तक उस जानकारी को पहुंचाया इस भाव इस उद्देश्य के साथ कि कहीं ना कहीं कभी आपका भाव जागृत हो तो दद्दा का खुला दरबार है, आइए शिवलिंग निर्माण का काम कीजिए, विश्व कल्याण, राष्ट्र कल्याण, समाज कल्याण और व्यक्ति विशेष के कल्याण के इस मिशन में दद्दा के साथ कहीं ना कहीं अपने भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास करिए। फिलहाल हमें अनुमति दीजिए, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जगत प्रतिपालक सच्चित आनंद स्वरूप तापत्र विनाशक भूत भवन पार्थिवेश्वर भगवान की असीम अनुकंपा, उनके अमोघ आशीर्वाद एवं हमारे परम पूज्य प्रातर स्मरणीय परम वंदनीय कर्मयोगी तपोनिष्ठ गृहस्थ संत श्री गुरुदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में निमाड़ क्षेत्र की पावन भूमि सेंधवा की इस परम पवित्र वसुंधरा के ऊपर उनके कृपा कटाक्ष से यह 98.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ महारुद्राभिषेक सहित 18 महापुराणों का पारायण इस विराट आयोजन के द्वितीय दिवस पर सभी भक्त जन विराजमान हैं महाभिषेक के लिए। प्रातःकाल से ही आप निरंतर निर्माण कर रहे हैं और आज कार्तिक शुक्ल पक्ष इच्छा नवमी है, जिस पुण्य पर्व पर माताएं बहनें अपने व्रत को धारण करते हुए और सुंदर ब्रह्म फल का ब्रह्म वृक्ष का पूजन करती हैं और पूजन करने के उपरांत अपने इच्छित फलों को प्राप्त करते हैं। उसी श्रृंखला में जहां इच्छित फल बिनु शिव अवराध हैं, लहां ही न कोट जोग जप साध हैं, आज वही इच्छा नवमी के शुभ अवसर पर भगवान भोलेनाथ का आप पूजन करें। सर्वप्रथम पुष्प के माध्यम से 3 बार जल लेते हुए आचमन कर पवित्रीकरण हेतु जल का सिंचन अपने एवं सामग्री के ऊपर करें। ओम के धवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, हस्तवृक्षालम हृदि गेधाय नमः, अपवित्र पवित्र सर्वावस्थो यस्मरे पुंडरीकाभ्यंतरसुजि ओं पुंडरीकाजपुनादो। पवित्रीकरण के पश्चात अपने हाथ में अक्षत पुंज लेते हुए ध्यान पूर्वक मंगल मंत्रों का श्रवण करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तर च पुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति यतो यतः समीयते ततो नो अभयं कुरु जनाः कुरु प्रजाभ्यो भयानाः वसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। अक्षत पुंज उसी को पर मैं छोड़ दे, पुनः हाथ में अक्षत पुंज लेते हुए विघ्न विनायक भगवान गणेश का आवाहन कर पंचोपचार गंधाक्षत पुष्प अर्पित करते हुए पूजन करें। ओम जो सुवरदि सिद्धो गणनायक गरिवर बदनो करो अनुग्रह सोय बुद्धिराज शुभ गुण सदन मूक होइ बाचा पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन ज्ञान शुक्र पाजो दया
द्रवौ सकल कलिमल दहन देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। ओम भूर्भुवः स्व श्री गणेशाम्बिका व्याम नमः। आवाहनार्थे आसनार्थे ध्यानार्थे अक्षतां समर्पयामि। पूजनार्थे गंधाक्षतभुजवाणी बिल्वपत्राणि दूर्वांकुरादीं च समर्पयामि। गणेश पूजन के उपरांत पुनः हाथ में अक्षत पुंज लेते हुए विघ्न विनायक भगवान गणेश की वंदना करें, प्रार्थना करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वरदानावर्द संघानां रथानां छन्दसामपि मंगलानां च करदारौ वन्दे वाणी विनायकौ। ओम भगवती गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थनार्थे अक्षदान समर्पयामि। नमस्करोमि गणेश भगवान की। तत्पश्चात जिन मूर्तियों का निर्माण आपने अपने करकमलों से किया है उनका स्पर्श करते हुए भगवान के सभी विविधांगों का आवाहन करते हुए प्राण प्रतिष्ठापन करें। ओम शंखन संघं हंसा पार्थिवलिंगानां मूर्तिषु सर्वेन्द्रियाणि वाङ् मनस्त्व चक्षु श्रोत्र जह्वा घ्राण पादुपाय उपस्थानीयः सुखाञ्चरं तिष्ठन्तु स्वाहा। अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणा झरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मा महेतजगच्चनौ। श्री पार्थिवेश्वराः सुप्रतिष्ठता वरदा भवन्तु। हाथ में अक्षत पुंज लेकर भगवान पार्थिवेश्वर का ध्यान करें। ओम ध्याय नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परसुमृगपदाभिवेदहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समल्लाद सुधर्ममर्गणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्ववाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरं पञ्चभक्तं त्रिनेत्रं। ॐ नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ भगवते पार्थिवेश्वराय नमः। आवाहनार्थे आसनार्थे ध्यानार्थे अक्षदान समर्पयामि। पुष्प के माध्यम से जल अर्पित करते हुए पाद्यर्घ आचमन भगवान पार्थिवेश्वर के लिए प्रदान करें। ओमेतावान महिमा तो भगवते सांब सदा शिवाय नमः। पादयोः पाद्यं हस्त्योरर्घ्यम् आत्मनीयं जलं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानं च समर्पयितो शुद्ध जल लेते हुए भगवान का महाभिषेक शुद्धोदक से करें।
ओम भगवते पार्थिवेश्वराय नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, तदुपरांते पंचामृतं गृहीत्वा विधिवत सांब सदा शिवस्य अभिषेकयतु। भगवान का महाभिषेक पंचामृत से करें। ओम पंचामृतं मयानीतं पयोदधिघृतं मधो शर्करा च समायुक्तं स्नानार्धं प्रतिगृह्यताम्। ओम भगवते पार्थिवेश्वराय नमः। पंचामृतस्नानं समर्पयामि, पुनः शुद्धोदकस्नानं च समर्पयामि। थोड़ा सा जल में चंदन छोड़ते हुए गंधोदक बना लें और भगवान का महाभिषेक गंधोदक से करें। ओम गंधद्वाराम दुराधर्ताम लिद्धपुष्टाम करिघडीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामयोपमेश्रियम्मा। ओम भगवती सांब सदा शिवाय नमः। गंधोदकस्नानं समर्पयामि, अतः परम विधियोदक स्नानं। विद्यापत्र जल में घोल बनाते हुए मधुर घोल बनाकर भगवान का महाभिषेक विधियोदक से करें। ओम भगवती पार्थिवेश्वराय नमः। विधियोदक स्नानं समर्पयामि, विधियोदक स्नानान्ते पुनः शुद्धोदक स्नाना स्नान पूर्वकम गंगोदक स्नानम च समर्पयतु। गंगा जल लेते हुए या नर्मदा जल लेकर तीर्थ जल लेते हुए भगवान का महाभिषेक करें। ओम नमः संभवाय जमाय भवाय च नमः, शंकराय जमाय कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। संगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सानुचराय सवाहनाय श्री पार्थिवेश्वराय नमः। गंगोदक स्नानं समर्पयामि, गंगोदक स्नानान्ते एक आचमनीयम जलम समर्पयामि। भगवान पार्थिवेश्वर के अलंकरण हेतु वस्त्र आपके पास रखा हुआ है, वस्त्र उपवस्त्र रक्षा सूत्र भगवान को अर्पण कर दें। ओम सुजातो ज्योति घाजय धर्म भरोधम सद स्वाहा वासो अग्नि विश्वरूप गंधमयजो विभावजो। ओम भगवती पार्थिवेश्वराय नमः। वस्त्रम उपवस्त्रं च समर्पयामि, वस्त्रान्ते द्विवारम आचमनीयं जलं च समर्पयामि। यज्ञोपवीत ले लें, हरिद्रा आदि से अलंकृत करते हुए भगवान को यज्ञोपवीत समर्पण करें। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यस्तैजं पुरस्ताताय समग्रं प्रतिमञ्जसोरं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। ओम भगवती पार्थिवेश्वराय नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि, यज्ञोपवीतान्ते द्विराचमनीयम् आत्मनियम जलम समर्पयामि। अष्टगंध युक्त चंदन का लेप भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर करें, पुष्प के माध्यम से सभी मूर्तियों पर चंदन अर्पण करेंगे। ओम काम शोषमिताम हिरण्य प्राकाराम आर्द्राम जुलंतीम तृप्ताम तर्वयंतीम। ओम भूर्भुवः स्वश्री भगवते पार्थिवेश्वराय नमः। गंधम समर्पयामि, गंधान्ते दक्षिण हस्ते किंचित अक्षतान गृहीत्वा अक्षतान समर्पयतु। अक्षत लेते हुए भगवान को अक्षत पुंज अर्पण करें। ओम अक्षण मे मदंद प्रिया अधो कतो अधो कत शोभान वो विभ्रान विधयापति यो जानवेन्द्र देहा हरे। ओम भगवते पार्थिवेश्वराय नमः।
गंधवक्षतान समर्पयामि राम नामांकितानि बिल्लुपत्राणि च समर्पयन्तु। बिल्लुपत्र लेते हुए चंदन से राम नाम अंकित कर दें और भगवान को नमः शिवाय कहते हुए अर्पण कर दें। ओम नम त्रिदला त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रं च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्लुपत्रं शिवार्पणम् काशी भाज निवासी जो काल भैरव पूजितम प्रयागे माघवासे जो बिल्लुपत्रं शिवार्पणम् ओम नमः शिवाय 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 ओम भगवते पार्थिवेश्वराय नमः। बिल्लुपत्राणि समर्पयामि दूर्वांकुर तुलसीदल शमी पत्र लेते हुए भगवान को अर्पण करें। ओम भगवते पार्थिवेश्वराय नमः। दूर्वांकुरादीनि समर्पयामि अकौआ धतूरा बेला गुलाब जो भी पुष्पमाला आपके पास उपलब्ध हैं भगवान को अलंकृत करें, भगवान को चढ़ा दें। ओम माल्यादीन सुगंधीन मालित्यादीन वै प्रभो अन्यार्दानि बुधवाणी पूजार्धं प्रतिगृह्यताम्बा। ओम भगवती पार्थिवेश्वराय नमः। पुष्पाणि पुष्पमालाञ्च समर्पयामि। सभी माताएं बहने श्रद्धालुजन सिंदूर लेते हुए माँ पार्वती का स्मरण करते हुए सिंदूर अर्पण करें और स्वयं सिंदूर को अपने मस्तक पर जो माताएं धारण करने योग्य हैं वो धारण कर लें। ओम सिंदूर प्राधवले सुघना जोबात प्रमिया पतयंति जह्वा घृत सधारा अरुखो नवाजी काठा बिंदल नूर में भी पिन्नमाला सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शोभदम कामदंजयव सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। ओम भगवते पार्थिवेश्वराय नमः। सिंदूरम समर्पयामि अबीर भोड़र जटामासी कमलकटा जो भी उपकल्पित सामग्री है भगवान को अर्पित करते हुए अलंकृत करें। ओम भगवते पार्थिवेश्वराय नमः। नाना परमल द्रव्याणि समर्पयामि सुगंधि द्रव्यंज समर्पयामि अगरबत्ती प्रज्वलित करते हुए भगवान की धूप आरती करें। ओम धूर अति धूर बधूर बंदन धूर बदन ज्योतमान धूर बदितन धूर भयम भयन धूर महादेवानाम शिवनिधम गो सदितम अम्बृतम जोटतम देवहूतम वनज बज्रशोद भूतो गंधाढ्यो गंधोत्तमाः जो अदायतो श्रोत्राद्वाय च प्राण च मुखाद्निरजायतो। ओम भगवती जाम्ब सदाशिवाय नमः। प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि दीपान्ते हस्त प्रज्वालनम दीप को वहीं रख दें, हाथ धो लें, नैवेद्य अपने हाथ में लेते हुए भगवान को प्रसादी अर्पण कराएं जिसमें श्रीफल ऋतुफल आदि सहित अर्पित कर दें। ओम नव्याया
ग्रहण जम्मू भूत्वा प्रसीद परमेश्वरो ओम भगवते पार्थिवेश्वराय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते त्रिराचमनीयं जलं समर्पयामि चंदनेन करोद्वर्तनं च समर्पयामि। भगवान की मुख शुद्धि के लिए रखी हुई सामग्री लौंग इलायची किसी दोने पत्तल आदि में रखते हुए अर्पण कर दें। ओम भगवते पार्थिवेश्वराय नमः। मुखवासार्थे जबलदाम्बूलीलां लवंगं च समर्पयामि। पूजन की पूर्णता हेतु भगवान को द्रव्य दक्षिणा अर्पण करें। ओम हिरण्यगर्भः समवर्धताग्रे भूतस्य जातः बधिरेक आसीत् सदाधार व्रतवीन्द्यामुदे मांगस्मै देवाय विधेमः। ओम भगवते सांब सदा शिवाय नमः। कृताया पूजाया जाड़गुण्यार्थी दक्षिणा द्रव्यम समर्पयामि। तत्पश्चात हाथ में अक्षत पुंज लेते हुए भगवान से प्रार्थी बने कि भगवान हमारे जीवन में सुख समृद्धि होते हुए हमें पूर्णता को अर्थात आपकी शरणागति को प्रदान करें। इस कामना से भगवान की प्रार्थना करें। ओम गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमलंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भजवे भगवते पार्थिवेश्वराय नमः। प्रार्थनार्थी अक्षदान समर्पयामि नमस्कारोमि। बोलो शंकर भगवान की जय। तत्पश्चात अपने दाहिने हाथ को करताली बजाते हुए सिर के चारों तरफ घुमाएं और चुटकी बजाएं परिक्रमा कर लें। ओम जे तीर्थाने व्रजरंजे दृगास्ताने गंगिणाते काकुं सार्थयोजने पदन्वानि तन्मसि। ओम भगवते पार्थिवेश्वराय नमः। प्रदक्षिणां नमस्कारांज समर्पयामि। कर्पूर आरती प्रज्वलित कर भगवान की महामंगल आरती प्रदाय करें अर्थात कर्पूर आरती प्रज्वलित करते हुए भगवान को अर्पण करें। ओम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवा भवं भवानी सहितं नमामि। ओम भगवते पार्थिवेश्वराय नमः। कर्पूर नीराजनम समर्पयामि। कर्पूर नीराजन आरती समर्पित करते हुए जल से ठंडा कर दें। पुनः हाथ में अक्षत पुंज लेकर भगवान की क्षमा प्रार्थना करें। ओम कर चरण कृदंबा कायजं कर्म जंबा श्रवण नयन जंबा मान संबा पराधं वेदं वेदं वा सर्वमेत क्षमस्व। जय जय करुणाग्रे श्री महादेव शंभो शंभो गिरी समृण रुद्र पिनाक पाणे
हे आशुतोष गिरिजाधव पूर्ण कामो शोलन त्रिलोचन महेश्वर चंद्र चूड़ो बागीश वंदे अभिनंद तुम्हें प्रणाम बागीश वंदे अभिनंद तुम्हें प्रणाम ओम जनी नजर मय जंद देवस्थान धर्माणि प्रथमान्या सन्ना देहनाकं महिमाना सचंद जर पूर्वे साध्या शांति देवा ओम तद्गुरुगाय विद्महे पार्थ्वीसुराय नमः क्षमा प्रार्थनार्थे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। भगवान का पूजन पूर्ण हुआ। भगवान भोलेनाथ को कैलाश हेतु विसर्जित करने के लिए अपने हाथ में अक्षत ले लें, भगवान भोलेनाथ का स्पर्श कर लें और प्रार्थी हों कि ऐसे संत चरणारविंदों में सदा सानिध्य पाते हुए कुले मम महादेव भजनम तेसु सर्वदा माँ भूतस्य कुले जन्मो यत्र तुन्न हि देवता। हे भगवान उस कुल में हमारा जन्म ना हो जहाँ आपकी प्रधानता ना हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान का विसर्जन कैलाश हेतु करें। ओम यान्ति देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामकीं इष्ट काम समृद्धर्थं पुनरागमनाय च आवाह लल्लजालामि विसर्जनं पूजान्त्यैव लजालामि क्षम्यतां परमेश्वर यद्यद्वृत्त्या जनामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु नीनं सम्पूर्णतां यातु सद्यो वंदे तमच्युतम्। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। भो कैलासपति कैलासम गच्छ पुनरमृत्तिका भव पुनरागमनाय च श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो पार्थवी सुर भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान अपने आसन पर खड़े हो जाएं। आनंद कंद व्रजनंदन भगवान कुंज बिहारी लाल जी की आरती प्रारंभ हो रही है। सभी दिव्य आरती का दर्शन कर प्रसादी ग्रहण करेंगे। जय श्री कृष्ण। आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की
आरती कुंज बिहारी के निकले हर कृष्ण मुरारी।
आरती कुंज बिहारी की। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ताली से बकर दो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्ण की जय, 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 कुड़ा वाले कन्हैया की जय जय, कुड़ा वाले कन्हैया की जय जय, बंदी वाले कन्हैया की जय जय, बंदी वाले कन्हैया की जय, बंदे वाले कन्हैया की जय 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 जय, धर्म की जय हो, धर्म का आस हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का ध्यान हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने मात पिता की जय हो, गुरु गोविंद की जय हो, भोले दत्ता दरबार की जय हो, श्याम बाग की जय हो, हरे हरे